हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो बेकार सा पोट है उसको हम रिवैम्प करेंगे। आप देख सकते हैं कि उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। उसको हम रीपेंट करके उससे हम पेन ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। पहले मैं वाइट एक्रेलिक कलर के दो कोट लगाऊंगी, उसके बाद मोल्डेड क्ले को लेके उसको अच्छे से मिक्स करके उससे मैं नोज़ का शेप दूँगी। पहले डोंट वरी अबाउट शेप ऑफ नोज। पहले आप ऐसे रैंडमली ऐसे शेप बना कर उसे फेविकोल से लगा कर फिर फिंगर से उसे अच्छे से शेप देना है, उसे प्रेस कर कर। यू कैन सी आई एम यूजिंग पेंसिल हीयर फॉर अ परफेक्ट शेप ऑफ नोज। और उसके बाद पानी से फिंगर से हमें सरफेस को स्मूथ कर देना है। अब बाकी का जो 3D वर्क करना है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। पहले ये मैंने चश्मा का शेप बनाया है, उस पर मैं क्ले लगा दूंगी और उसके बाद मूछें बनाऊंगी। आपके पास क्ले के टूल्स नहीं है तो आप ऐसे कोई भी चीज़ें घर में से लेकर उससे डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैं नाइफ यूज़ कर मूछों की डिज़ाइन कर रही हूँ। अब सभी 3D डिज़ाइंस और पॉट पर मैं फिर से एक बार वाइट एक्रेलिक कलर का कोट कर दूंगी। उसके बाद चश्मा और मूछों पर ब्लैक एक्रेलिक कलर लगा दूंगी और पूरे पॉट पर स्किन जैसा कलर मीन्स ऑरेंज कलर में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके स्किन कलर बनाया है वो अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे भी मैंने स्किन कलर के दो कोट लगाया है फॉर परफेक्ट लुक। सी अवर 3D फेस प्लांटर और यू कैन से पेन स्टैंड और ऑर्गेनाइजर इज रेडी। इसे आप एज अ मेकअप ऑर्गेनाइजर, मेकअप ब्रशेस ऑर्गेनाइजर और पेन ऑर्गेनाइजर एंड एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे एज अ फादर्स डे और फादर्स के बर्थडे पर भी गिफ्ट कर सकते हैं। आपको ये पॉट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई वार्निश एट लास्ट टू कीप इट लॉन्ग लास्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।